नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आशीष एजुकेशन समाचार चैनल पर। आज 6 सितंबर। साथियों, इस समय की इस वीडियो के तहत चर्चा करेंगे फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड और शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य पदों को लेकर के। तो सबसे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो का अधिक शेयर करें। आइए जान लेते हैं महत्वपूर्ण अपडेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्तमान सरकार के कार्यकाल 15 दिसंबर 2023 से लेकर 31 अगस्त 2024 तक की नियुक्तियां और पदोन्नतियां। बात करें सबसे पहले प्राध्यापक स्कूल शिक्षा 3547 जो नियुक्त किए गए हैं, वरिष्ठ अध्यापक विशेष शिक्षा सहित 8193, शारीरिक शिक्षा अध्यापक 98, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 540, पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड थर्ड 6, प्रयोगशाला सहायक ग्रेड थर्ड अनुकंपात्मक नियुक्ति सहित यहाँ पर 196, यानी टोटल 12961 ये यहां पर देख सकते हैं नियुक्ति और प्रदान किए गए अभ्यर्थियों की संख्या। इसके अलावा पदोन्नतियां उनको लेकर के भी अपडेट है, देख सकते हैं अतिरिक्त निदेशक, शिव निदेशक, उप निदेशक, वरिष्ठ निजी सचिव इत्यादि, और भी चर्चा करेंगे इसमें। माध्यमिक शिक्षा विभाग में प्रकृति जो भर्तियों का विवरण है वो भी आप देख सकते हैं। प्राध्यापक शिक्षा विभिन्न से अंबर सीधी भर्ती हेतु कुल स्वीकृत पद 6000, भर्ती एजेंसी आरपीएस अजमेर, और अभिस्थापित अभ्यर्थियों की संख्या यहाँ पर दी हुई है। और जिला तो मंडलावंटित अभ्यर्थियों की संख्या और शॉर्ट फॉर रिकमेंडेशन जो अनुशंसा पर भेजे गए हैं और पेंडिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कितने हैं वो भी आप देख सकते हैं। और इसी प्रकार से ये सेकंड ग्रेड भर्ती 2022 वाली उसका भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा सारी शिक्षा अध्यापक 5546 टोटल, और वरिष्ठ सारी शिक्षा अध्यापक इस प्रकार से वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक। इसके अलावा विभिन्न पदों पर दी गई नवीन नियुक्तियां और विभागीय पदोन्नतियां सर्जित नवीन पदों का विवरण यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूरी अपडेट है। अतिरिक्त निदेशक, शिव निदेशक, उप निदेशक, जिला शिक्षा अधिकारी, प्रधानाचार्य सभी का आप देख सकते हैं, और पदोन्नतियां जो दी गई है और सीधी भर्ती के तहत इस प्रकार से ये पदों का विवरण आप वीडियो के स्क्रीन पर आपको दिखाया गया है। यहाँ पर टोटल 53608 लास्ट वाले यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा गत सरकार के कार्यकाल 18 दिसंबर 2018 से लेकर 14 दिसंबर 23 तक, वर्तमान सरकार के कार्यकाल इसमें 15 दिसंबर 23 से 30 जून 2024 तक का तुलनात्मक विवरण भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा अब आपको ले चलते आगे साला दर्पण पोर्टल रिपोर्ट दिनांक 1/9/24 यानी इसी महीने का रिलेटेड डेटा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर शिव निदेशक स्वीकृत पद कार्यरत और रिक्त, उपनिदेशक का भी आप देख सकते हैं, जिला शिक्षा अधिकारी और समकक्ष यहाँ पर रिक्त पद 24 है, प्राचार्य और समकक्ष की अगर बात करें तो 7384, उपप्राचार्य और समकक्ष की अगर बात करें तो 7526, उप जिला शिक्षा अधिकारी, सारी शिक्षा अध्यापक और प्राध्यापक स्कूल शिक्षा के देखें तो बहुत सारे रिक्त पद यहाँ पर देख सकते हैं 17285। तो साथ ही अभी डीपीसी इत्यादि होनी है, और प्राध्यापक सारी शिक्षा के भी आप देख सकते हैं, वरिष्ठ अध्यापक आप यहाँ देख सकते हैं 25502, और अध्यापक यहां पर 23555, पुस्तकालय अध्यक्ष श्रेणी फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों का, निजी सचिव सभी का आप देख सकते हैं, कनिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहायक, रिक्त पद स्वीकृत और कार्यरत पद का यह ब्योरा साला धर्म पोर्टल 1/9/24 के अनुसार। इसके बाद में बात करें माध्यमिक शिक्षा विभाग में अन्य सेवाओं के स्वीकृत कार्यरत रिक्त पद, वो भी आप देख सकते हैं, रिक्त पदों का या लास्ट वाले कॉलम में आपको दिखाया गया है, और शुरू में पद नाम है यहाँ पर स्वीकृत कार्यरत और रिक्त पद टोटल यहाँ पर। इसके अलावा अगली जो अपडेट है, जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक डीग 5 सितंबर का आदेश है, गार्गी पुरस्कार योजना और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना वर्ष 23/24 के साला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन अद्यतन करने के संबंध में ये अपडेट आप देख सकते हैं। इसको लेकर के लिस्ट टेलीग्राम चैनल पर डाल दी गई है, वहां से आप देख सकते हैं पूरी लिस्ट। 30/9/24 तक अद्यतन करवाए जाने के लिए पाबंद करें। आप देख सकते हैं जुड़े बैंक खातों को जन आधार में सही दर्ज करवाना और बदलाव करना होगा, तो उससे संबंधित ये अपडेट है, अपडेशन हेतु। इसके अलावा बात करें साथियों निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की, तो सारी शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती 2022 में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा चयनित और अभिस्थापित अभ्यर्थियों को जिला आवंटन आदेश में ओनली काउंसिलिंग वाले अभ्यर्थी की नियुक्ति और पदस्थापना आदेश के संबंध में ये लिस्ट 94, जिसमें मूल सूची से 72 और वेटिंग लिस्ट से 22, तो काउंसलिंग इनसे संबंधित ये अपडेट आप देख सकते हैं। और इसके अलावा
इनकी लिस्ट भी आपको यहां पर बताई जाएगी 1824 को निर्देश अनुसार, आप देख सकते हैं। और इसके बाद में ये लिस्ट बढ़ते हैं आगे। तो ये लिस्ट थी साथियों, तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। साथियों वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करें, इसी प्रकार के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को धीरे धीरे शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।